वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के प्रश्न पत्र को, तो जो परीक्षा आज ही के दिन हुई थी। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर को और बाकी पार्ट्स को भी आपके समक्ष लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर पूछा गया है 49, इसमें पूछा गया है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो साहित्यिक है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो साहित्यिक का शुद्ध रूप होगा तो वो होगा विकल्प ए के अनुसार, ए के अनुसार साहित्यिक लिखा गया है, ये सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 50, इसमें पूछा गया है नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो नयन है इसका जो संधि विच्छेद होगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, नेजमा अन इसका नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है ना। इसके पश्चात पूछा गया था 51, करण का तद्भव शब्द बताइए। तो जो करण है संस्कृत शब्द है, इसका तद्भव रूप हमें बताना है कि इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, कान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 52, इसमें पूछा गया है देशज शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक देशज शब्द है तो वो हमें बताना है। तो देशज शब्द हो जाएगा यहाँ पर मोटर, डी सही विकल्प हो जाएगा। मास्टर ये अंग्रेजी का शब्द हो जाएगा, चाय ये चीनी का शब्द हो जाएगा और कोशिश ये फारसी का शब्द हो जाएगा, इसको भी याद रखना है आपने। कोशिश फारसी का शब्द है, चाय चीनी शब्द है और मास्टर अंग्रेजी का शब्द है और मोटर ये आपका देश शब्द है। अगला क्वेश्चन है ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो जो ऊंट है इसका स्त्रीलिंग इसमें पूछा गया है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ऊंटनी, ठीक है ना, बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा में कौन सा समास होगा। तो जो मातृभाषा है इसमें समास होगा आपका विकल्प ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मधु की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो जो शब्द है मधु, इसकी भाववाचक संज्ञा पूछी गई है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा मधुरता, ए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है केश का विशेषण क्या होगा। तो जो शब्द है केश, इसका विशेषण हो जाएगा केशव, यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मारक का प्रत्यय क्या होगा। तो जो शब्द है मारक, इसका जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका प्रत्यय होना चाहिए था अक, पर यहाँ पर विकल्प में अक कहीं नहीं दिया है, तो इसका आपका रक भी मान सकते हैं आप। बाकी ऑफिशियल आंसर की पे आने पे इसके ऑफिशियल आंसर पे भी डिस्कस करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका बी सही माना जाएगा, वैसे इसका अक होना था मारक। अगला क्वेश्चन है हंस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो जो शब्द है हंस, तो बहुत ही कठिन प्रश्न था ये वाला, हंस का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो मेरे अनुसार जहाँ तक मैंने इसकी छानबीन की तो मुझे लगा कि इसका सही उत्तर कोक होना चाहिए, कोक, ठीक है ना। बाकी अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा गलत दिया गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, अवश्य उसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। जहाँ तक लगता है कोक सही होगा, बाकी देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में इसका क्या उत्तर दिया जाएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी के उन्मूलन की मांग की थी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाना था तो ये हो जाना था धामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो जो नूरपुर रियासत है इसकी स्थापना की गई थी जेठपाल के द्वारा, यहाँ पर जो विकल्प ए है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो ये किया गया था विकल्प ए 1805 AD में। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। तो ये अब 5 हो गई है, यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला है बांदलाधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो बांदलाधार होगी ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित होगी, यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लांबा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो लांबा झील होगी ये आपके चंबा में स्थित होगी, यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में गलत उत्तर दिया गया है तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम उस पर अवश्य डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है बिनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो जो बिनवा खड्ड है या बिनवा नदी है ये हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी की सहायक नदी हो जाएगी, यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थी? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे NC मेहता। यहाँ पर ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुलुत देश की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो आपने तो ये प्रश्न बहुत ही बार पढ़ा होगा, हमने कितनी बार ही अपने चैनल में इस प्रश्न को भी करवाया भी था। तो जो कुलुत देश की कहानी है ये LC प्रार्थी की प्रसिद्ध कृति हो जाएगी। LC से मतलब है लालचंद प्रार्थी। कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो लालचंद प्रार्थी कला केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 161, जगत सुख में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 8वीं शताब्दी में। यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 162, माहू नाग मेला हिमाचल प्रदेश की किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके करसोग में। यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शान और शाबू हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दो लोकप्रिय नृत्य हैं? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि शान और शाबू क्या है। ये हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य हैं और कहाँ के हैं, लाहौल स्पीति या लाहौल घाटी की। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली कौन सी है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी बशौली। यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ये हो जाएगी सी शाह नहर। अगला क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा बड़ोग सुरंग। आगे है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू के उत्पादन का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा शिमला। अगर आपने हमारे चैनल में तैयारी की थी तो इस प्रश्न को हमने बहुत बार रिपीट किया था। अगला क्वेश्चन है 168, हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये होगा डी 2015। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में किन चार जिलों से हिमाचल प्रदेश बना था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाना था तो ये होना था विकल्प सी, चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। अगला क्वेश्चन है, 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था 18वां राज्य। यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाना था।